वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार फिर तो थोड़ा स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अज आप लैके आए जी दस्तार का बेस। काफ़ी वीर डिमांड से वीरे दस्तार का बेस लैके आओ, तो पग के नीचे आप बेस बांधते हैं वो आप जो वीडियो लैके आए हैं। ये वाला बेस आप हरेक पग थले बन सकते हैं। ये जरूरी नहीं भी जी पग मैं ही बांधा उन्हें थले वटा वाली पटियाला शाही होगी, अमृतसर शाही होगी, जिड़ी मर्जी मगर आप बन सकते हैं। बेस सारे दस्तारा लिए कंफर्टेबल होगा। केसा हेठ आप किस तरह बनना है तुम देख ही रहे हो। उस तो बाद आप उपर 1.5 मीटर परने की वरतों कर रहे हैं। तो कई वीर तो पड़का बांधते पर पड़का बनना की होंगे भी पिछे जी गंढ वो बजन लग जाती है, इसलिए आप किसी तरह के पड़के का यूज नहीं किया, परने का यूज किया। तो परना किस तरह आप बनना है तुम देख रहे हो। पहला लड़न सज्जी खब्बी साइड तो सज्जी साइड लैके जाना है, तो जो उपरला पासा वो आप हाथ ना अंदर कर लेना। जेकर प्रोपर हाथ ना अंदर नहीं आप वैसे बाज की मदद कर सकते, जिदा मैं कर रहा वीडियो जिन्ना भी इतना हाथ ना सैट होता हाथ नाल भी कर सकते हैं, पर मैं बाज ना कंफर्टेबल इसलिए मैं बाज ना करता क्योंकि कई बार उंगलों नाल सही नहीं होंगे, इसलिए आप बाज की वरतों कर रहे हैं। तो ये वाले लाल च आप सामने फ्रंट तो नहीं देखना भी अपना बेस उपर या थले आ, आपां सिर्फ उपरला पासा कवर करना पहले दो लाणा चाह जिहड़ा लड़ लगाया। हुण जिहड़ा उपरला है अपना वो प्रोपर हो चुका है बराबर। इस तों बाद आपां की करना केसां नूं विच कर लेना। तो विच करन तों बाद जिहड़ा लाड़ा उहनूं खिलार के आपां चौड़ा कर लेना। लड़ मोटा ना होवे, जिद्दां दस्तार दा लड़ खिलार के आपां लगाई दा उद्दां लगाउणा। देखो जिदा सैडिंग कर रहे हैं। इस तो बाद की करना जो पिछे अपना लड़ बदया इन बेच दे के उपरों की लड़ टेढ़ा लैके आना थले अख वाली साइड में, इस लड़ में पतला करके वट तो ऑटोमैटिक अपने पैर तुम देख रहे हो। तो हूँ की करा इतने आप छोटे जे कपड़े की वरतों करा ता जो अपन दस्तार में बाद कपड़ा पाने की लड़ ना पवे, तो जी फलावट ऑटोमैटिक प्रोपर बन जाए। बाद कई बार कपड़ा पे किसी पासों फलावट ज़्यादा आ जाती किसी पासों घट हो जाती है, इसलिए आप कपड़ा पहला ही यूज कर रहे हैं। कन्न तो बाद प्रोपर टाइट करके कपड़ा लगाना, उस तो बाद लड़ नूं खिंच के लगाओगे ता कि जो अपना कन्न है वह बाहर नूं ना आवे। जो इतों ढिला रहा तो की होंगे भी दस्तार इतों बाहर जन आती है, इसलिए आप पूरी तरह परने से लड़ खिंच के लगाना है। उस बाद अगले लड़ सीधा लेके आना है कन्न के उपर आउंदी, क्योंकि परला कन्न आप पूरी तरह कवर नहीं कर सकते परने नाल, जे कवर करांगे तो बाद कई बार दर्द होने लग जाता, इसलिए मैं कवर नहीं करता हूँ। तो जो अपना लाड़े अपना इस तो बाद जो वध्या ये आप पिछे भी लगा सकते हैं, पर आप अगे लगावे क्योंकि कई बार पिछे की होंगे प्रोपर जगह नहीं होंगी लाड़ लगाने, कई वीर धक्के लगा दें बाद जो पग बनी तो बेस ढिला हो जाता, इसलिए मैं इन्हें लाड़ लिया के वधा के अगे ही लगा हूँ। तो तुम देख रहे हो जी अपनी फुलावट आ वो पूरी प्रोपर शेप च हो रही है, साइड तो किसी साइड तो उच्ची नीवी नहीं गी, ए प्रोपर गोल शेप च आ रही है। तो उपरों भी अपना पूरा ग्रिप बन चुके परने का, केस नहीं ढिले गए पिछों भी देख सकते हो। तो इस तो बाद आप करा इस तो बाद आप इस उपर 50 बना गए, तुम देख रहे हो एक साइड मेरा कन्न बाहर आ एक साइड अंदर आ। हूँ आप करना 50 जी लगावे, 50 मैं पहले लगाई सी काफ़ी चौड़ी हो गई थी, तो इस तो बाद मैंने भी 50 थोड़ी जी घट करनी थी क्योंकि ज़्यादा जी वी 50 है वह भी तंग करती उपरली साइड तो दिखन लग जाती है। तो प्रोपर आप लगानी ज़्यादा खोल के 50 नहीं लगानी, तो कोशिश करनी है भी जी 50 आ वह मत्थे तो दो उंगलों उत्ते हो, क्योंकि जेकर आप दो उंगलों उपर रखा तो की होगा भी अपनी पग जी पग ज़्यादा ना उपर बनीचेगी ना नीचे, क्योंकि जेकर अपनी 50 प्रोपर जगह पर लगी होगी तो आप पता होगा भी अपनी जड़ा पग का पिंच आओ किस जगह पर प्रोपर होना चाहिए। बैकसाइड तो आप एक ही गंढ मारनी आ, ज़्यादा गंढा फिर वजन लग जाए, एक गंढ तो बाद आप जी वधी हुई 50 अंदर कर लेना बाज की मदद नाल। तो होप आ तुहानूं वीडियो वधिया लगी हुई होगी, तो काफ़ी हैल्पफुल रहेगी। जे वीडियो वधिया लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो, तो चैनल सबसक्राइब करना ना भुल्यो।